नवरात्र आते ही पूरे भारत में एक अलग सा उत्सव छा जाता है। सभी लोग गरबा करने के लिए बेहद ही उत्सुक होते हैं और शाम होते ही सब महारानी की पूजा करने के बाद अपने अपने घरों के आसपास पहुंच जाते हैं और गरबे का आनंद लेते हैं। आज हम ऐसे ही पांडाल में है जहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से गरबा महोत्सव मनाया जा रहा है। नवरात्रि माँ की उपासना के 9 दिन। इन 9 दिनों में हर भक्त माँ की उपासना में लीन रहता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त अलग अलग तरह से उपासना करता है। डांडिया और गरबा भी माँ की उपासना का एक रूप है। गरबा का आयोजन कई जगह हो रहा है। ये नृत्य देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच 9 दिवसीय युद्ध को दर्शाने और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसमें देवी दुर्गा विजय हुई थी। गरबा करने के लिए महिलाएं तरह तरह के कपड़े और गहने पहनती हैं, जिसमें ज्यादातर चोली या ब्लाउज, चनिया या लंबे स्कर्ट और चमकदार दुपट्टा शामिल होता है। दखल न्यूज के संपादक शेफाली गुप्ता ने विशेष अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद महिलाओं ने गरबा कर मां की आरती की। गरबे की आयोजक माया व अन्य महिलाओं ने बताया कि 1 महीने पहले से गरबे की तैयारियां की जा रही हैं और गरबे वाले दिन सब इतने उत्साह में होते हैं कि किसी का भी घर जाने का मन नहीं करता है। सभी महिलाएं दीवा क्लब की मेंबर्स हैं। उन्होंने बताया कि वो हर साल तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करती हैं। हम लोगों ने, ये हमारा गरबे का 2nd डे है आज, तो हम लोगों ने जो ऐसा डिसाइड किया था कि 1st डे तो गरबा ही ड्रेस सबको पहनना है, क्योंकि वो गरबा ड्रेस सबके पास होती नहीं, तो आप सबको रेंट करना पड़ेगा। 2nd डे हम लोगों ने कहा आप लोगों के पास जो भी लहंगे वहंगे हैं, जो भी आपके गहने वहने, वो सब पहन कर आना है, इस टाइप से आना है, बहुत सुंदर लगना है, ऐसा डिसाइड किया था। हो गए हैं और इससे पहले 10 डेज बिफोर हम लोगों की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, तो 1 मंथ अब हो गया हमें सब करते करते। अच्छा, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ, क्या क्या होने वाला है आज? आज सबसे पहले आरती होगी, उसके बाद गरबा होगा, उसके बाद डांडिया होगा, फिर लकी ड्रॉ निकलेगा। इसमें 5 गोल्ड कॉइन जो विनर होंगे उनको मिलेगा। कल भी ये निकला था 5 लोगों का नाम। अच्छा, कल क्या क्या प्रोग्राम हो चुके हैं यहाँ पर? कल भी यही हुआ था, आरती हुई थी, उसके बाद गरबा, डांडिया, लकी ड्रॉ, उसके बाद खूब सारी मस्ती करी। किसी का घर जाने का मन नहीं था आज के लिए, कोई वेट नहीं करना चाह रहा था, और आज सब फिर उसी उत्साह से वापस आ गए। अच्छा, आप सभी दीवा क्लब के मेंबर्स हैं, राइट? तो आपके कुछ क्लब के बारे में बताइए। हमारे क्लब में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। हम करवा चौथ का प्रोग्राम करते हैं, हरियाली तीज का करते हैं, अब हम एनजीओ जैसा भी करते हैं कि हम खुद खाना बना के हम गरीबों को बांटते हैं। हमने 3-4 बार हमने ये प्रोग्राम करा है और हम लोग बहुत मजा लेते हैं इसमें, हमको बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं हम उस चीज के लिए। अच्छा, ये आप सबका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी हो चुका है? गरबे का फर्स्ट टाइम है कॉलोनी में, बट बाकी सारे प्रोग्राम हमारे हर साल होते ही है। हर साल हम लोग कुछ ना कुछ इवेंट, साल में 2 प्रोग्राम का हम सोचते कोशिश करते कि एक इवेंट हो हमारा साल में 2 बार, तो ये करते। एनजीओ के बारे में कुछ आपने बताया अभी? हाँ, हमारा एनजीओ 4 साल से रनिंग पर है, तो हम छोटे बच्चे जो कि इसमें रहते हैं, जैसे बंजारी की बस्तियाँ वगैरह हैं, गरीब बच्चे, तो उनके लिए हम लोग पढ़ाई करवाते हैं घर जा। पहले तो हमने वहीं पर उनको कोरोना के पहले वहीं रूम ले रखा था, तो वहाँ उनको पढ़ाते थे। फिर उसके बाद कोरोना में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो फिर मैम ने घर पर ही क्लास चालू कर दी थी, और अब हमने फिर वापस वहीं स्टार्ट कर दिया है बस्ती में जा करके। तो आपके मतलब, जैसे कि आप, उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर हैं, तो आप 1 महीने से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? बिल्कुल, शाम का समय, तो हमने, माया जी ने हमें रिक्वेस्ट किया और हमने भी बहुत एंजॉय किया कि दिन भर तो मैं बिजी करती, ड्यूटी करती हूँ हॉस्पिटल में, फिर शाम को हम पूरे टाइम साथ में होते हैं उनके, और डांस की प्रैक्टिस करते हैं सर ने, और हमारा पूरा प्रैक्टिस कराई, तो हमने प्रैक्टिस किया और वी एंजॉयड अलॉट। पूरा जो प्रैक्टिस सेशन था
उसमें हर सेट बैच बने हुए थे, मॉर्निंग बैचेस भी थे और इवनिंग बैचेस भी थे, है ना। तो हाँ ये बहुत अच्छी सुविधा रखी कि जो जॉब वाले हैं उनके लिए इन्होंने इवनिंग सेशन रखा था, 6 to 7 भी, 5 to 6 भी, 7 to 8 भी। तो एटलीस्ट हम जिस टाइम को 7 to 8 को हम मिल पाते थे, मेरे लिए वही टाइम फिजिबल था, तो मैं 7 to 8 आके प्रैक्टिस करती थी। तो मेरी नौकरी और मेरा काम, ये एंजॉयमेंट मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई थिंक फर्स्ट टाइम है जो मैंने इतना सारा गरबा एंजॉय किया। चाहते हैं कि ये हर साल हो, ये सभी लोग बहुत उत्साह से हैं कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि हर साल अब इससे भी और बड़ा हम प्रोग्राम करेंगे अगले साल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। आशा करते हैं कि जैसे इस बार आप नवरात्रि एंजॉय कर रहे हैं वैसे आप हर साल करें। एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि है ना, जैसे हमने क्यों यहाँ स्टार्ट किया, मैं बड़ी जैसे अभिव्यक्ति उस पर जाती थी, लेकिन वहाँ ना वो फीलिंग नहीं आती थी कि हम माता रानी के लिए कर रहे हैं। तो हमने जो ये किया, हमारे जो सारे लोगों से हमने भी जब स्टार्ट किया तो सॉन्ग हमने वही चूज किए कि जो माता जी से संबंधित हो। फिल्मी सॉन्ग हम लोगों ने बिल्कुल नहीं बजवाए, इन सब लोगों को लगता था कि मैंने कहा नहीं। छोटी जगह में जो छोटा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर पूरा अपना जो मन होता है वो भगवान के लिए होता है, मतलब हम लोग तैयार भी हुए तो ऐसा लग रहा है माता जी के यहाँ जा रहे हैं। तो ये वाली फीलिंग हमने रखी है, ऐसा नहीं रखा कि नहीं हमको शोबाजी करना, वो नहीं। तो वो हमने फीलिंग उनके लिए करी है, वो चाहते थे हम, मेरे को मेरा मन ये था पर्सनली। इस पूरे प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजर है हमारी माया जी, माया जी और हमारी रुचि जी, और ये जो दो तीन लोग हैं पूरे प्रोग्राम को, ये सारे प्रोग्राम्स, कविता जी, ये ऑर्गेनाइजर्स, हम लोग चूंकि कम समय दे पाते हैं, ये लोग ने पूरा जीरो से स्टार्ट करती सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारी। दीज आर द बेसिकली जो हमारी पिलर्स हैं, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, इन्हीं लोग पूरे टाइम काम करते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। तो मैं इनके लिए सबसे विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी, पूरा ऑल क्रेडिट गोज टू दीज फीमेल्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।